इन्फिनिटी हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस के चैनल के ऊपर उसके अंदर जिक्र आया शेयर मार्केट का। अब हम जानते हैं कि शेयर मार्केट में नुकसान और फ़ायदे की पूरी तफसीलात जो है अली जनाब सैयद रियाजुद्दीन साहब आपके सामने पेश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैंने वादा किया था कि कौन सा शेयर कहाँ पर खरीदें और कहाँ पर बेचें, मैं आपको इंडिकेटर के तहत बताऊंगा और आप देखें ये इंडिकेटर को फॉलो कीजिए। और मैं जो बताऊं वो शेयर लेना ही ज़रूरी नहीं है, हज़ारों शेयर हैं मार्केट में, आप जो भी शेयर लेना चाह रहे हैं पहले इंडिकेटर पर रख के देखें, अगर फिट बैठता है तो आप इसे परचेस करें। ये अशोक लेलैंड का चार्ट है, वीकली चार्ट क्लिक करें। यहाँ पर क्लिक कर मूविंग एवरेज सेट करें, क्लिक करें। दो सौ टाइप करें, 200। लाइन मोटी करें और कलर भी चेंज कर सकते हैं, ओके दबाएं। अब ये गौर से देखें, मूविंग एवरेज के नीचे शेयर बिल्कुल ना परचेस करें। यहाँ पर मूविंग एवरेज के ऊपर शेयर निकल रहा है, यहाँ परचेस करके यहाँ तक गया है, बीच में कभी भी बेच सकते हैं, फिर जब यहाँ पर भी बेच सकते हैं, यहाँ पर ना ख़रीदें। यहाँ पर निकला है देखिए एग्जैक्ट ये रेट पर और 111 हाई बनाया है और 79 तक जाकर अब 102 चल रहा है। ये हमको 25 रुपीस पर ही बता दिया था कि ऊपर जाने वाला है, ये उत्तम शुगर शेयर है। ये नीचे जब तक रहा जब तक ना ख़रीदें। यहाँ पर बताया जी 22 रुपीस पर ऊपर जाने के लिए बताया, जो शेयर ऊपर जाते हैं वही शेयर ख़रीदें, नीचे आने वाले शेयरों को बिल्कुल ना लें। ये बायोकान का शेयर है, यहाँ पर देखिए बता दिया 104-105 रुपीस पर बता दिया है, वहाँ से जो ऊपर गया है ये 425 तक ऊपर जाके फिर 342 अब चल रहा है इसका शेयर। ये चार्ट पैटर्न जो भी बनाया है ये शेयर नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल सही नहीं है चार्ट पैटर्न, जिस तरह ऊपर गया उसी तरह नीचे आएगा। ये बहुत प्यारा चार्ट पैटर्न है वी गॉट का, यहाँ देखिए यहाँ पर 219 का हाई बना है, अब 170 चल रहा है, ये नीचे ही बता दिया था हमको लेने के लिए। हाँ ये लेनको का शेयर है, ये बिल्कुल ना लें जब तक नीचे है, इसे मूविंग एवरेज के ऊपर निकलने दें, उसके बाद इसे परचेस कर सकते हैं। इंशाल्लाह बातों का ध्यान रख के आप परचेस करें, ज़रूर फ़ायदा होगा।